भोपाल से। सर जी नामदेव जी बताइए। हाँ वैसे फोन लगाया है मैंने आपके पास। हेलो, हाँ 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 बताइए। वैसे फोन लगाया सर, ये नामदेव ग्रुप में जुड़े से ना आप, इसलिए निकाल के नंबर। देखो बेटे, वैसे ही फोन लगा के अपना समय बर्बाद करना और हमारा समय बर्बाद करना दोनों ही गलत है कि नहीं है? हाँ ये तो आप नहीं सही बोल रहे, थोड़ी सी लेकिन एक समस्या है सर आप। लेकिन यदि हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं जी तो आपका कभी भी किसी भी समस्या को लेकर फोन लगाने की आपको अनुमति है। जी जी अब ये बताइए नामदेव जी, आप काम क्या करते हैं? सर, मैं खेती करता हूँ। अब यदि मैं कहूं कि किसानों की आमदनी मैं 5 गुना कर दूंगा और उन्हें जो है अपने खेत पर जो है काम करने के लिए मजदूरों का बीज का पैसा नहीं देना होगा, वो एक दूसरे अकाउंट से उसका भुगतान होगा और आपकी फसल आने पर आपको 1 MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1 है वो आपको जो है भुगतान अपने आप हो जाएगी सिस्टम के द्वारा और उस खाद्यान्न के आप मालिक बने रहेंगे जी सर और आपको मंडी में जाकर अपना धान लेके नहीं जाना पड़ेगा। मंडी का जो आज का अत्याचार है, जो वहां पर जो है जो लेबर रहती है उससे लेके अधिकारी से लेके जो आपका दोहन हो रहा है उससे आप बच जाएंगे जी सर और खाद्यान्न के मालिक आप ही बने रहेंगे। बैकएंड टेक्नोलॉजी ये आइडेंटिफाई करेगी कि आपका खाद्यान्न को खाने वाला कहाँ बैठा है, वहां पर जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और जो आज की चेन है होलसेलर रिटेलर वेयर हाउसिंग, वो चूंकि इनमें से खाद्यान्न के मालिक नहीं बनने वाले हैं तो नामदेव जी वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वो सेवा देने बनिया। वाले लोग हो जाएंगे, वो बनिया जैसा अभी खरीद के वो होर्डिंग करके मनमाने दाम वसूलता है और पुअर कंज्यूमर जो है उसे मनमाने दाम पर खरीदने के लिए बेबस है कि नहीं है? है ना सर, सरकारी व्यवस्था के तहत जो माल खरीदा जाता है उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। जी सर मंडी में बैठे हुए दुष्ट अधिकारी उसमें खुद मिलावट कराते हैं और अपना कमीशन खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते ना सर। तो यदि जो है जो एंड कंज्यूमर है उसको 3 MSP में वो मिलेगा और 2 MSP जो है किसान के ही डेबिट कम कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चले जाएंगे जिसके माध्यम से गौशालाएं से लेकर 10 फीट गहरी खंतियों से लेकर 4 तरीके के पेड़ जिसमें फलदार पेड़ औषधि वाले पेड़ सुगंध वाले पेड़ और जो जी प्रोटीन रिच फॉडर जो है उसके पेड़ लगाए जाएंगे और उन खंतियों के बगल में पेड़ों के बीच में एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, एक डेडिकेटेड गलियारा होगा जो गायों के लिए होगा। सर गायों को नहाने के लिए एडवांस और मसाजिंग करने के लिए एडवांस मशीनें होंगी और एक टीम जो है ना ले आके काम करेगी और किसानों को उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, उसका भुगतान कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा। जी सर कल जो है जो 10 फीट गहरी खाई खोदी जा रही है उसमें एक्वा कल्चर किया जाएगा तो मछलियों से लेके सिंगाड़ों से लेके कमल ककड़ी से लेके हर चीज जो है उसमें उगाई जाएगी और वो सभी प्रोटीन रिच होगी और जो भी पैदा होगा उसका 1/3 जो है वो किसान को मिलेगा और 2/3 किसान के ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। आप बताओ किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना सर। तो फिर किसान अपने ही दुष्ट किसान नेताओं के साथ जो है प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो क्राइम फ्री भारत मिशन से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं ऐप के द्वारा? सर वो किसान इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वे किसान खुद तो भ्रष्टाचार है ना।
नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो नेता है वो अपने लाभ के लिए, अपने प्रभाव के लिए, खुद नेतागिरी जमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन नामदेव नामक एक आशा किसान, जो निर्धन किसान है, वो क्राइम फ्री भारत से जुड़कर अपनी आमदनी 5 गुना क्यों नहीं कर रहा है, अपना सम्मान क्यों नहीं पा रहा है, उसे जो है मजदूरों को ढूंढने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, उसे अच्छे बीज लेने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, और उसके लिए एक ऐप होगा जिसके माध्यम से भारत सरकार ये तय करेगी कि हमें कितना खाद्यान्न पैदा करना है। आपके जो है खेत में हर 3 महीने में या 6 महीने में मिट्टी के सैंपल से ये निकाला जाएगा कि अब आपकी मिट्टी कितनी उर्वरक हो गई है। तो आपके खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं डाला जाएगा, जिससे अभी जो है आपकी मिट्टी मृत हो गई है, और जो किसान अन्नदाता कहलाते हैं उन्होंने अपने अन्न को दूषित कर दिया है, अब वो कैंसर दाता हो गए हैं। मिस्टर नामदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम आप अन्नदाता बने रहना चाहते हैं या कैंसर दाता बनना चाहते हैं, नहीं क्या सर, बनना अन्नदाता चाहते बनना हैं? चाहिए, अन्नदाता। तो अन्नदाता जो है इस भाव इसके तहत जुड़कर बिना 5 पैसे जेब से खर्च किए जमीन पे ये सब हो जाएगा, इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से क्यों नहीं जुड़ता है? नहीं जुड़ेंगे ना सर, मैं तो अभी तक नहीं जिस जुड़ा हूँ। जिस लिंक से आपने हमको फोन किया है उसी में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक जो है मेरे नाम के ऊपर दी गई है, जी सर, आप उसे क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि कुटुम्ब ऐप से एम्पावर्ड है, राइट। अपना जी फोटो सर, डालिए, सम्मान से लिखिए कि आप किसान हैं, और अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट्स के तहत महापरिवर्तित तो भारत चाहते हैं, जिसमें भारत के हर व्यक्ति को ना केवल रोजगार, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा, बल्कि उसे समृद्धि का मौलिक अधिकार भी मिलेगा। समृद्धि, ये दुष्ट जी सर, नेता गरीबी हटाओ की बात कहते हैं, मैं आपको समृद्ध बनाने की बात कर रहा हूं। तो आप जी समृद्ध बनना चाहते हैं या इन दुष्ट राजनेताओं के फरेब में आना चाहते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर 75 साल के बाद भी गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए बनाया था। ये अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि इन राजनेताओं ने अभी जो 3 नए कानून बनाए हैं उनकी आत्मा नहीं बदली है, यह अंग्रेजों के वही दुष्ट कानून है। जी सर, अब सवाल उठता है कि ये दुष्ट नेता आपको अच्छा भारत देंगे क्या? नहीं दे पाएंगे सर। तो फिर क्राइम फ्री भारत से आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? आप जाति के संकुचित दायरे में जीना चाहते हैं, मैं आपकी सोच नहीं बदल रहा हूं। यदि आप संप्रदाय के संकुचित दायरे में जीना चाहते हैं, हम उसको भी नहीं बदल रहे हैं। हम जो है, आप धर्मांध हैं और ये धर्मांध लोग आपको जो है ना मूर्ख बना के अपना उल्लू साध रहे हैं, अपने कथा प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी अच्छा भारत नहीं दे रहे हैं, तो इनके प्रवचन सुनते रहिए। हम आपका सोच बदल रहे हैं क्या? नहीं बदल रहे हैं सर आप। क्या राजनीतिक संकीर्ण सोच में है, चाहे आप भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस, दिस दैट, किसी के भी अंधभक्त बने रहें, हम आपको अंधभक्त बनने बदलने बनने से रोक रहे हैं क्या? नहीं रोक रहे हैं सर आप तो। क्या मैं आपको जुलूस निकालने के लिए, धरना देने के लिए, पुतला दहन करने के लिए, रेल रोको या रास्ता रोको की जैसी बात कोई समझा रहा हूं, क्या कर रहा हूं या चाह रहा हूं? नहीं कर रहे ना सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप तो, मेरे दिल को छू गए सर। लेकिन समस्या ये है कि देखो, अपन आप एक गांव है मेरा। आप समस्याओं को मैथिली शरण गुप्त को समर्पित कर दीजिए। भगवान ने क्या कहा है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब समस्याएं हमें समर्पित कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। जी सर, मैथिली ठीक है शरण गुप्त कह रहे हैं कि इन समस्याओं को मैथिली शरण गुप्त को समर्पित कर दो, हम 21 लक्ष्यों सहित 5 फंडामेंटल राइट देते हुए आपको समृद्ध बना देंगे, और आपको अपने कल्याण के लिए वो समय भी मिलेगा जब आप अध्यात्म का सहारा लेके केवल इस जीवन को ही नहीं, आपके आगे वाले मृत्यु उप के पर्यांत के पर मृत्यु के उपरांत जो आपका जीवन है, जो आपको नया जीवन मिलेगा, शायद आप उस जीवन का भी सुधार कर पाएंगे।
नामदेव जी, आप अपना और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? जी सर पक्का? पक्का तो फिर जो है, जिस मैसेज को देख के आपने मुझे फोन लगाया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे नाम के ऊपर उसी में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि कुटुम्ब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर, आ गई आ गई आ गई, पूरी अब बात आपको समझ में अपना आ गई। अब आपको अपना फोटो डालना है, लिखिए सम्मान से कि किसान हैं हम, और जहां आप रह रहे हैं वहां का पोस्टल पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे और आपको